हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रोमांटिक शूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स की रहेगी और फिजिक्स में आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, सर LCR परपथ हमको करा दीजिए। तो आज की इस वीडियो में आपको LCR परपथ कराऊंगा और साथ में आपको LR और CR परपथ भी कराऊंगा, राइट। चलिएगा तो आज देखिएगा LCR परपथ। LCR परपथ में क्या पूछ सवाल क्या आता है कि LCR परपथ की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए या प्रतिबाधा निकालिए, LCR परपथ को अनुनादी परपथ के लिए आवृत्ति निकालिए, ये तरीके से क्वेश्चन आता है। यानी कि LCR परपथ की क्या पूछेगा, या तो प्रतिबाधा पूछेगा या आपसे पूछेगा अनुनादी परपथ बनाओ। अनुनादी परपथ, परपथ की आवृत्ति, आवृत्ति पूछेगा, यानी LCR अनुनादी परपथ बनाइए और अनुनादी परपथ की कंडीशन लिखिए, अनुनादी परपथ की आवृत्ति या LCR परपथ की प्रतिबाधा, ये चीज़ पूछता है आपसे, ठीक है। प्रतिबाधा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो आपको मैं बता दूं, देखिए L क्या होता है, L जो होता है ये क्या होता है, ये L होता है प्रेरकत्व, प्रेरकत्व। और ये आपका जो ये चीज़ जो है ये संधारित्र होता है, क्या होता है, संधारित्र। और ये वाला ये होता है आपका प्रतिरोध, क्या होता है, ये प्रतिरोध होता है R, ये C होता है, ठीक है। अब देखिएगा ये प्रतिरोध द्वारा, यानी किसी परपथ में यदि प्रतिरोध लगाए पर क्या है, वैद्युत धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, राइट। तो यदि प्रतिरोध लगा है तो मतलब क्या है कि उसमें ये अवरोध उत्पन्न करेगा धारा के मार्ग में। यदि प्रतिरोध के साथ साथ एक संधारित्र लगा है तो संधारित्र के द्वारा भी धारा के मार्ग में रुकावट आने लगे तो फिर हम उसको प्रतिरोध नहीं कहेंगे, फिर उसको हम बोलेंगे प्रतिबाधा। क्या आ गई, बाधा उत्पन्न होगी, प्रतिबाधा बोलेंगे उसको। यदि किसी परपथ में ए आर सी यानी कि तीनों लगे हुए हैं, यानी दो या दो से अधिक प्रतिबाधा लगी हुई है तो उसके संयुक्त प्रतिरोध को हम क्या बोल देंगे, प्रतिरोध कहेंगे। यानी कि उसमें दो या दो से अधिक अवरोधक लगे हुए हैं तो उन सभी अवरोधकों की प्रतिबाधा, उन सभी अवरोधकों के अवरोध को प्रतिबाधा कहते हैं। मतलब ये कि ये सपोज डेट किसी परपथ में CR लगा हुआ है तो हम उन दोनों के द्वारा जो अवरोध होगा उसको क्या बोलेंगे, प्रतिबाधा। तीनों लगे हुए हैं तो इन तीनों के द्वारा धारा के मार्ग में रुकावट को क्या बोलेंगे, प्रतिबाधा। लेकिन यदि प्रतिरोध लगा हुआ है तो इसके द्वारा मार्ग में डाली गई रुकावट को केवल प्रतिरोध कहेंगे, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। तो V बराबर, यदि केवल R लगा होता है तो हम उसके लिए देखो ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे ये, ठीक है। अब ये करेंगे देखो, इसके लिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ से आपको पता ही है वी एल जब ये लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, आई इंटू एक्स एल। वी बराबर आर लगा हुआ है तो आई आर हो जाएगा, और सी बराबर लगा हुआ है तो वी सी बराबर लिखेंगे आई इंटू एक्स सी, ये चीज़ हमेशा याद रखना। और आपको एक और एक्स एल बराबर होता है ओमेगा एल, और एक्स सी बराबर होता है, एक्स सी बराबर वन अपॉन ओमेगा सी, ठीक है। ये क्या चीज़ है, ये है आपका प्रेरकत्व के द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को हम बोलते हैं प्रेरण प्रतिघात, क्या बोलेंगे, प्रेरण प्रतिघात। और संधारित्र के द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को बोलते हैं हम क्या, धारितीय प्रतिघात। देखिएगा ये L जब लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे हम प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात। और यदि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं धारितीय प्रतिघात, ठीक है। इसको बोलते हैं हम प्रतिरोध, R को बोलेंगे केवल प्रतिरोध, ठीक। या अब देख लीजिए ये दोनों लगे हुए हैं, या ये दोनों लगे हुए हैं, या तीनों लगे हुए हैं, तो इन तीनों की प्रतिबाधा को, इन तीनों के अवरोध को बोलेंगे हम प्रतिबाधा। अब समझ गए होंगे सारा कॉन्सेप्ट क्या है, कि यदि केवल एक प्रतिरोध लगा हुआ है, केवल एक धारा के मार्ग में यदि अवरोध उत्पन्न करेगा तो उसको प्रतिरोध कहेंगे। यदि सी लगा हुआ है, सी के द्वारा यानी संधारित्र के द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को हम धारितीय प्रतिघात कहते हैं, इसको एक्स सी से प्रदर्शित करते हैं, और एक्स सी बराबर वन अपॉन ओमेगा सी होता है। और प्रेरकत्व द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को हम प्रेरण प्रतिघात कहते हैं,
XL बराबर ओमेगा L होता है, राइट। इनके विभव को हम VL बराबर I इंटू XL कहेंगे, ये चीज़ ठीक समझ में आ गई बात। चलिए तो अब आते हैं हम LCR परिपथ क्या होता है। एक ऐसा परिपथ जिसमें एक शुद्ध प्रेरकत्व, शुद्ध प्रेरकत्व तथा एक संधारित्र तथा एक प्रतिरोध श्रेणी, तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, ऐसे प्रतिरोध को हम LCR परिपथ कहते हैं। समझ में आ गई बात। LCR परिपथ क्या है? एक ऐसे परिपथ है नहीं, ऐसा परिपथ जिसमें शुद्ध प्रेरकत्व कौमा धारिता यानी कि संधारित्र व एक शुद्ध प्रेरकत्व और एक संधारित्र व एक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं उसे LCR परिपथ कहते हैं। समझ में आ गई बात। यानी कि एक ऐसा परिपथ जिसमें एक शुद्ध प्रेरकत्व, एक संधारित्र, एक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? LCR परिपथ कहते हैं। अब LCR परिपथ में क्या लेंगे हम? लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हो भाई आप? V बराबर होता है IR, VL बराबर होता है क्या? VL बराबर मैंने लिखा था पहले I into XL और VC बराबर होता है I into XC। इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे तीनों के द्वारा डाली गई, क्योंकि ये तीनों चीज़ लगी हुई हैं, तीनों यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई है आपको। यहाँ के बाद में अब हम क्या करेंगे, देखिए हमें निकालना है। पहले हम क्या निकालेंगे, देखिए प्रतिबाधा निकालने के लिए, प्रतिबाधा का फॉर्मूला, प्रतिबाधा बोलते हैं, प्रतिबाधा होती है जेड। अब हमारा जेड क्या है? इन तीनों के द्वारा, यानी कि ये वी आर, आर लगा था, इसको आर बोल दीजिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, वी आर, ठीक है। जब प्रतिरोध लगा हुआ है तो ये प्रतिरोध का विभव, ये L का विभव। तो जब ये LCR परिपथ है, LCR यानी कि तीनों चीज़ लगी हुई है, तो तीनों का टोटल विभव कितना होगा? तो हम करेंगे LCR परिपथ का विभव, ठीक है। तो यहाँ पे विभव निकालेंगे, तो यहाँ पे निकालेंगे LCR परिपथ का विभव, यानी कि संयुक्त विभव कितना हो जाएगा? V स्क्वायर बराबर जैसे कि दो चीज़ होती हैं क्या भैया, R, X और Y का हम वेक्टर रूप में हम क्या करते हैं, इनका संयुक्त विभव निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा? X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर का अंडर रूट इस तरीके से कर देते हैं, है ना। जब परिमाण निकालते हैं उसी तरीके से हम निकालते रहे, इन तीनों के परिमाण निकालेंगे, तीनों के विभव का परिमाणी विभव, परिणामी विभव। तो परिणामी विभव किस तरीके से निकलेगा? तीनों का यानी LCR परिपथ का परिणामी विभव बोलिए क्या, परिणामी विभव क्या हो जाएगा? V स्क्वायर बराबर वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर माइनस वी सी का स्क्वायर, वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। इस तरीके से देखिए, यदि यहाँ पर इस परिपथ में केवल R और L लगा होता तो हम डायरेक्ट कर देते वी आर का स्क्वायर वी एल का स्क्वायर, क्योंकि इसमें सी भी लगा हुआ है इसलिए माइनस लगाया। सी में ही माइनस क्यों लगाया हमने, इन दोनों में माइनस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये संधारित्र होता है, सबसे पहले चार्ज होता है, फिर अपने आप को इंक्रीज करता है, यानी कि अपने आप को डिक्रीज करता है, ठीक है। पहले चार्ज होगा फिर डिस्चार्ज होगा, इसलिए ये माइनस लगाया। बाकी सारी चीज़ें अलग हैं, लेकिन ये संधारित्र क्या होता है, पहले चार्ज होता है फिर अपने आप में से पहले आवेशन होगा फिर इसका निरावेशन होता है, इसलिए माइनस लगाया, ठीक है। चलिए तो ये वी स्क्वेयर बराबर वी आर की वैल्यू कितनी है? आई आर का होल स्क्वेयर प्लस वी एल की वैल्यू कितनी है? I into XL माइनस I into XC का होल स्क्वेयर, ठीक है। वी स्क्वेयर बराबर इसका मतलब कितना हो गया?
ये हो गया आई स्क्वेयर आर स्क्वेयर प्लस, ये देखिए इसमें से मैं आई बाहर निकाल लूँगा तो क्या हो जाएगा, आई बाहर निकलेगा क्योंकि स्क्वेयर है ऊपर, तो आई बाहर निकलेगा तो ये भी आई स्क्वेयर हो जाएगा और बचेगा क्या एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वेयर। देखिए अंदर ये आई था लेकिन ऊपर स्क्वेयर लग रहा है इसलिए इसको बाहर निकालूंगा तो ये आई स्क्वेयर निकलेगा। ठीक, अब आई 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 स्क्वेयर दिखाई दे रहा है तो वी स्क्वेयर बराबर, इसमें से मैं कॉमन ले लूँगा तो ये कितना हो जाएगा आई स्क्वेयर, मैंने कॉमन ले लिया तो कितना बचा आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वेयर, इतना बचा। ठीक है, चलिए इतना बचा आपका। अब क्या कर रहा हूँ, वी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में आई स्क्वेयर और आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वेयर, ये आ जाएगा अंडर रूट से। ये आई का स्क्वेयर ख़त्म हो जाएगा, आई बाहर आ जाएगा और ये बाकी अंडर रूट में बचेगा आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वेयर, ये आ जाएगा। आई नीचे आ जाएगा, वी अपॉन आई बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वेयर, ये चीज़ आ जाएगी। अब देखिएगा, अब आपको पता है क्या कि भैया हमारा प्रतिबाधा, हमें तो प्रतिबाधा निकालनी है तो निकलेंगे एल सी आर परिपथ की प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा कैसे निकलेगी, प्रतिबाधा का फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिबाधा होती है जेड, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा परिणामी विभव ठीक, बट्टे कुल धारा। तो देखिएगा इसमें जो धारा बह रही है वो तो आई ही रहेगी भैया, ये वाली धारा है इस तरीके से, इसमें धारा जो जा रही है इस तरीके से, हमने आई धारा मान ली इस तरीके से बह रही है। ठीक है, तो धारा तो क्या हो जाएगा जेड बराबर, देखिए नॉर्मली आपको देखिए वी अपॉन आई, देखिए ये वी अपॉन आई ही अपने आप में क्या है आपका, क्या है प्रतिबाधा। क्यों है प्रतिबाधा, वी अपॉन आई को आर क्यों नहीं बोल रहे, प्रतिरोध क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि ये जो वी है यदि ये नॉर्मली एक हमारे पास प्रतिरोध लगा हुआ है उसका प्रतिरोध निकालते और इसका विभव वी है तो आप लगा देते आर बराबर वी अपॉन आई कर देते। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप जानते हो वी बराबर आई आर हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसमें जो ये जो धारा बह रही है ये धारा तो वही है, चलो धारा से तो कोई लेना नहीं है क्योंकि धारा तो हर किसी में बराबर बह रही है, लेकिन ये जो V है ये अकेला इस प्रतिरोध का विभव नहीं है, ये जो V है इन तीनों का परिणामी विभव है। देखो क्या लिखा है LCR का परिणामी विभव, ये जो V है इन तीनों का परिणामी विभव है, और जब तीनों के द्वारा जो रुकावट होती है हम उसको क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा बोलते हैं। अभी बताया था कि जब किसी परिपथ में ये तीनों लगे होते हैं और तीनों के द्वारा धारा के मार्ग में जो रुकावट डाली जाएगी उसको हम प्रतिबाधा कहेंगे, तो प्रतिबाधा बराबर ये प्रतिबाधा हो जाएगी वी अपॉन आई, तो क्या लिख देंगे वी परिणामी विभव बट्टे कुल धारा आई हो जाएगा। और वी आई का मान कितना है, वी आई का मान अभी निकाला है आपने, कितना आया है आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वेयर, ये आ जाएगा, ये प्रतिबाधा निकल गई। फिर आप रख दोगे यहाँ पर या जेड बराबर, या आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं जेड बराबर आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल की वैल्यू कितनी है, एक्सएल की वैल्यू अभी मैंने बताई थी ओमेगा एल माइनस वन अपॉन एक्स सी की वैल्यू कितनी ओमेगा सी, इसका होल स्क्वेयर ऐसे कह दीजिए। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गई बात, ये यहाँ तक। अब यहीं से देखिए, यहीं से नोट करके लिखवा दे रहा हूँ, यदि अनुनादी परपथ की बात करें, तो ये तो सब करना ही करना है, तो अनुनादी परपथ के लिए क्या होता है अनुनादी परपथ। ठीक, पहले निकालेंगे इसका कलांतर, निकाल दीजिए कलांतर। ठीक है, क्या निकालेंगे, कलांतर निकालो, कलांतर क्या हो जाएगा, कलांतर हमारा फाई है तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला टेन फाई बराबर क्या हो जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी बट्टे आर, ये हो जाएगा। ठीक है, बट्टे आर ये हो गया। ठीक है, ये निकाल देंगे हम और इसकी वैल्यू रख देंगे तो क्या इतना हो जाएगा टेन फाई बराबर एक्स एल की वैल्यू कितनी ओमेगा एल माइनस इसकी वैल्यू वन अपॉन ओमेगा सी बट्टे आर, ये आपका निकल आया कलांतर पूछ लिया। ठीक है, लेकिन जब अनुनादी परपथ होता है देखिए अनुनादी परपथ के लिए होता है
टेन फाइव बराबर जीरो लेते हैं, टेन फाइव बराबर जीरो लेते हैं, यानी कि आप ऐसा समझिए कलांतर जीरो लेते हैं, कलांतर कलांतर बोले तो फाइव बराबर जीरो लेंगे, फाइव बराबर जीरो का मतलब कितना हो जाएगा टेन फाइव का मान। दिखाई दे रहा है दिखाई, अरे ये तो हाथ कट गया, चलिए मैं अभी पहले हाँ तक कर लीजिए फिर मैं आपको बताता हूँ अनुनादी परिपथ की कंडीशन बताऊँ, पहले इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, यहीं से कराऊँगा। देखिए अनुनादी परिपथ के लिए क्या होगा, अनुनादी परिपथ के लिए फाइव बराबर लेंगे हम जीरो, जब फाइव बराबर जीरो लेंगे तो टेन फाइव का मान भी कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है जीरो हो गया। अब देखिएगा टेन फाइव का मान जीरो हो जाएगा तो देखिए टेन फाइव की वैल्यू कितनी आई है, टेन फाइव की वैल्यू ये आई है ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी बट्टे आर बराबर जीरो, ये जीरो में चला जाएगा तो कितना आ जाएगा ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी बराबर जीरो, ठीक है चलिएगा तो ओमेगा एल बराबर कितना हो जाएगा वन अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा सी देखिए ये माइनस का था उधर जाके कैसा हो गया प्लस का हो गया, ठीक है क्योंकि टेन फाइव बराबर जीरो, भाई अनुनादी परिपथ के लिए कलांतर कितना होता है जीरो होता है, ठीक ये आ गया। ठीक अब क्या करेंगे ओमेगा की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे एल उधर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वेयर बराबर ओमेगा की ओमेगा मल्टीप्लाई की ओमेगा स्क्वेयर, एल उधर पहुंच जाएगा तो वन अपॉन एल सी, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में वन अपॉन एल सी, ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा वन अपॉन अंडर रूट एल सी, ये आ गया। हमें तो आवृत्ति चाहिए तो आवृत्ति आवृत्ति बराबर फॉर्मूला क्या होता है एफ बराबर होता है टू पाई बट्टे ओमेगा, ओमेगा टू सॉरी ओमेगा बट्टे टू पाई, ओमेगा बट्टे टू पाई होता है एफ बराबर, इसको हम कितना लिख देंगे ओमेगा की वैल्यू कितनी है ओमेगा की वैल्यू वन अपॉन अंडर रूट में एल सी बट्टे टू पाई, तो एफ बराबर कितना आ जाएगा वन अपॉन टू पाई, यहाँ पर आगे लिख देंगे अंडर रूट में एल सी, तो अनुनादी परिपथ की आवृत्ति इतनी, अनुनादी परिपथ की आवृत्ति इतनी हो जाएगी, अनुनादी परिपथ पूछ ले तो इतना कर देना है और ये बाकी एल आर एल आर एल सी आर परिपथ की प्रतिबाधा इतनी, एल सी आर परिपथ का कलांतर इतना, ठीक है जल्दी से कर लीजिए। आपको अगली वाली वीडियो में आपका तुरंत इससे अगली वाली वीडियो में मैं आपका क्या कराऊँगा।